अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करने से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। गोल्ड 1684 के आसपास चल रहा है, कल 1659 का लो बनाया। सपोर्ट जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, हमारा रुका ही नहीं मार्केट और 1659 का लो बना के 1693 का हाई बनाया दो बार। अभी 1684 के आसपास चल रहा है। एक अच्छी सेलिंग आई मार्केट में कल, डॉलर इंडेक्स में तेजी आई थी और क्रूड ऑयल जो है वापस से 30 से 35% टूट गया था। बहुत वाइड मूव्स आए मार्केट में अगर देखा जाए तो मंडे ट्यूसडे दोनों दिन, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। मार्केट की रेंज काफ़ी बड़ी है, रेंज के साथ साथ मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। एक दिन में 30-30, 40-40% डाउन हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट पर काफ़ी वाइड स्विंग्स आ रहे हैं। चलिए आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 1697 डॉलर का। गोल्ड का सपोर्ट है आज का 1659 डॉलर का। 1697 ब्रेक करता है मार्केट तो 1720 और 1750 तक जा सकता है। 1669 के नीचे मार्केट 1660 और 1650 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड वीक है, अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना, मार्केट वीक ही है जब तक 1697 ब्रेक नहीं होता है। चलिए सिल्वर देखते हैं। सिल्वर का भी कल वही हाल हुआ, सपोर्ट टूटते ही मार्केट में एक जबरदस्त सेलिंग आई। अभी 1470 के आसपास मार्केट चल रहा है। आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। आज का सिल्वर का रेजिस्टेंस है $15.08। सिल्वर का सपोर्ट है आज का 1445 का। 1445 ब्रेक करता है मार्केट और सस्टेन करता है तो और ज्यादा सेलिंग आ सकती है $14 तक की। 15.08 के ऊपर मार्केट वापस से पॉजिटिव हो जाएगा और 1550 और 1580 टेस्ट करने की कोशिश करेगा। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों वीक हैं, अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना, दोनों के ट्रेंड वीक है जब तक मार्केट के रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होते हैं। चलिए क्रूड ऑयल देख लेते हैं। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट, $10 के आसपास चल रहा है। कल वापस से $20 से $10 आ गया है। रोज 30 से 40% डाउन हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त स्विंग्स आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में तूफान मचा रखा है इसने। चलिए आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। आज का रेजिस्टेंस है 1450 का। आज का सपोर्ट है 950 का। 1450 अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में एक अच्छी तेजी आ सकती है $17 और $18 तक की। $9.50 के नीचे जाएगा तो $8 और $7 तक जा सकता है। ध्यान रखिएगा क्रूड ऑयल अभी भी वीक है तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। अब यूरो देखते हैं, उसके बाद MCX के लेवल भी देख लेते हैं। यूरो थोड़ा सा ऊपर जरूर चल रहा है अपने कल के 810 किलो के आसपास से, 850 के आसपास जरूर ट्रेडिंग कर रहा है लेकिन अभी भी वीक जोन में है। 865 इसका एक रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है मार्केट वीक ही बना रहेगा। सपोर्ट इसका 790 का है। ध्यान रखिएगा 865 के ऊपर निकलता है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, 920 और 980 तक जा सकता है। 790 अगर निकलता है और सस्टेन करता है मार्केट तो 750 और 700 तक जा सकता है। चलिए आप MCX के लेवल देख लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड देखते हैं। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 46,050। गोल्ड का सपोर्ट है आज का 45,100।
MCX सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 41,750, सिल्वर का सपोर्ट है आज का 39,500। MCX क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का 820, क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है आज का 1260। निफ्टी ऊपर चल रही है 100 पॉइंट। निफ्टी का मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ, मैं स्टॉक्स का नया चैनल शुरू करने वाला हूँ तो निफ्टी के सारे अपडेट्स उस पर आया करेंगे। कब चैनल शुरू कर रहा हूँ उसका लिंक क्या है मैं जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। अभी फिलहाल 9,070 चल रहा है। निफ्टी का रेजिस्टेंस है 5,180, सपोर्ट है 8,920। निफ्टी का ट्रेंड वीक है, 8,920 के नीचे और वीक हो जाएगी। मेरी पेड सर्विस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आप कल वापस से अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।